हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 का टूर्नामेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए पहले से काफ़ी बेहतर जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 5 में से 3 मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते हैं, लेकिन जो भी 2 मैचेस आरसीबी ने हारे हैं, किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों हार की बात करें या फिर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के हाथों इनकी बड़ी हार की, तो उसके बाद आरसीबी की टीम के सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने अपने अगले मैच जो कि 10 अक्टूबर से खेला जाना है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले से पहले 4 काफी बड़ी खुशखबरियां निकल कर आई हैं। काफी बड़ी अच्छी अपडेट आरसीबी के लिए निकल कर आई हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट आरसीबी के लिए निकल कर आ रही है क्रिस मॉरिस को लेकर। मॉरिस को आरसीबी की टीम ने खरीदा था 10.5 करोड़ रुपए में, और तब से ही ये बोला जा रहा था कि आरसीबी की टीम का बैलेंस अच्छा करने में काफी इंपॉर्टेंट एडिशन रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 1 मैच हुआ 2 मैच हुआ 3 4 5 मैच गुजर गए, लेकिन मॉरिस अभी तक हमें आरसीबी में देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद फैंस काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग वैसे ही काफी ज्यादा खराब चल रही है। तो ऐसे में क्रिस मॉरिस की एंट्री हमें कब देखने को मिलेगी आरसीबी में, जब ये क्वेश्चन विराट कोहली से आखिरी मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए बताया कि क्रिस मॉरिस ऑलमोस्ट इस मुकाबले में खेलने के लिए ही तैयार थे जो कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हुआ था। उनके जो इंजरी के थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनको लेकर आरसीबी की टीम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। ऐसे में 10 तारीख को सीएसके के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है, उससे पहले क्रिस मॉरिस पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे और आरसीबी का जो बैलेंस है, चाहे हम बात करें लोअर ऑर्डर में बैटिंग की या फिर हम बात करें डेथ ओवर्स में बॉलिंग की, दोनों ही क्रिस मॉरिस के आने से ठीक हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्रिस मॉरिस इसकी टीम में एंट्री होने पर कौन से प्लेयर को आरसीबी को अपनी टीम से बाहर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि निकल कर आ रही है एडम जैम्पा को लेकर। आखिरी के मैच में हमने देखा था कि एडम जैम्पा नहीं खेले थे और गाइस एडम जैम्पा के बदले हमें एंट्री होते हुए नजर आई थी मोइन अली की। एडम जैम्पा इस मैच में अपनी हिप इंजरी के चलते नहीं खेले थे, उनकी इंजरी माइनर थी, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि शायद वो कुछ मैचेस को मिस कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अब एडम जैम्पा की इंजरी के रिगार्डिंग अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर उनकी इंजरी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और 10 तारीख के मैच के लिए वो अवेलेबल रहने वाले हैं। अब उनका सिलेक्शन हो या फिर ना हो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो सिलेक्शन के लिए हमें अवेलेबल रहते हुए नजर आने वाले हैं। बढ़ते हैं गाइस हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पिच रिपोर्ट को लेकर। अब गाइस अगर हम बात करें आरसीबी के 5 मैचेस की, तो 4 मैच उन्होंने खेले हैं दुबई में और दुबई ही वो ग्राउंड है जहां पर हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच में। तो ऐसे में इस ग्राउंड पर आरसीबी को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट एक काफी क्लोज मैच में जाकर जीत चुके हैं, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट वो हारे थे। लेकिन इससे पहले जो उनका मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, उसमें वो जीत कर आ रहे हैं। हालांकि लास्ट वाला मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हार गए थे, लेकिन अपनी गलतियों से और अपनी हार से उन्होंने जरूर कुछ सीखा होगा कि यहां पर पहले बैटिंग करना ही ज्यादा फायदेमंद है, और अगर उन गलतियों को आरसीबी नहीं दोहराती है तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस पिच का नॉलेज का फायदा उठाकर आरसीबी की टीम सीएसके की टीम को इस बार हराने का यहां पर दम रखने वाली है। बढ़ते हैं हमारी 5वीं और आखिरी अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स को लेकर। अब एबी डिविलियर्स 36 साल के हो चुके हैं, ऐसे में काफी सारा प्रेशर उनके ऊपर है क्योंकि वो विकेट कीपिंग करते हैं 20 ओवर्स तक, उसके बाद वो बैटिंग में भी काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर आता है, और खासकर जब आरसीबी की टीम चेस कर रही होती है तब तो एबी डिविलियर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि टॉप ऑर्डर हो जाता है कोलैप्स। तो ऐसे में एबी डिविलियर्स को लगातार डिहाइड्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि फील्ड के ऊपर भी जब वो आखिरी मैच हमने देखा था उसके पहले वाले मैच में अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनका जो अवार्ड था वो भी विराट कोहली लेने के लिए आए थे। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो एबी डिविलियर्स को लगातार आ रही थी, लेकिन अब इस रेस्ट पीरियड की वजह से उनको भी रिकवर होने का काफी अच्छा टाइम मिलेगा और इतनी सारी ड्यूटीज जो वो कर रहे हैं उसको वो एक बार फिर से पूरी तरीके से फुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो गाइज, ये सारी बड़ी अपडेट्स आरसीबी के रिगार्डिंग मैच से पहले निकल कर आ रही थी। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आप लोग कॉमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आरसीबी और सीएसके मैच से अगला मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। इसके साथ ही वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।